हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न विद यतिमन। जितनी भी गवर्नमेंट, प्राइवेट और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी आती है वो सभी मेरे चैनल पर आप लोगों को मिलेगी। सैनिक स्कूल राजस्थान शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। टीजीटी पोस्ट है यहाँ पर और इसके अलावा भी कई पोस्ट हैं यहाँ पर। क्वालिफिकेशन 12th, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड और सीटेट रहने वाली है। और यहाँ पर फ्रेशर भी जो है एप्लीकेशन कर सकते हैं। आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए इसकी मेन वेबसाइट पर हम चलते हैं और नोटिफिकेशन को अच्छे से देखेंगे। तो ये जो है इसकी मेन वेबसाइट है, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की, अंडर सैनिक स्कूल सोसाइटी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है वैकेंसी एंड एप्लीकेशन फॉर्म। वैकेंसी कितनी है यहाँ पर, कौन कौन सी सब्जेक्ट की है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एप्लीकेशन फॉर्म भी जो है वो आप लोगों को यहीं से डाउनलोड करना है। चलिए फटाफट से एडवर्टीजमेंट हम देख लेते हैं। जितनी भी पोस्ट के लिए यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन, क्या एज जो है वो कही गई है। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा रोड, चित्तौड़गढ़, राजस्थान में है ये। यहाँ पर जो वैकेंसी आई है, टीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी हिंदी, काउंसलर, और इसके बाद जो है वो पीटीआई, जिसमें फीमेल कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकती है, नर्सिंग सिस्टर। ठीक है, ये जो है इसमें कुछ वैकेंसी हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी आती है और इसमें बच्चे एप्लीकेशन करते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो जब यहाँ परमानेंट जब वैकेंसी आएगी तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट उन्हीं टीचर्स को यहाँ होगा जो यहाँ पर पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे हैं। तो सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से ये वैकेंसी है। टीजीटी मैथमेटिक्स की जो है यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, एक है, और टीजीटी हिंदी की भी एक है। एज लिमिट जो है वो 21 से 35 साल है। क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, तो यहाँ पर बैचलर डिग्री 50% अंकों के साथ आपने मैथ में, साथ में बीएड और सीटेट जो है यहाँ पर मांगा गया है। पढ़ाने का जो यहाँ मीडियम है वो इंग्लिश रहेगा। सैनिक स्कूल जितने भी हैं सभी इंग्लिश मीडियम ही हैं। उसके बाद है काउंसलर। तो यहाँ पर अगर आपने साइकोलॉजी में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो आप एप्लीकेशन कर पाएंगे, या आपने पोस्ट ग्रेजुएट चाइल्ड डेवलपमेंट में किया है तो भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपके पास जो है एक डिप्लोमा ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो है वो करियर गाइडेंस या काउंसलिंग का होना चाहिए। उसके बाद देखें, फीमेल जो है यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकती है पीटीआई के लिए। यहाँ पर जो है वो मांगा गया है मैट्रिकुलेशन, या फिर इसके इक्विवेलेंट अगर एग्जामिनेशन आपने क्वालिफाई किया है तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर पाएंगे। साथ में जो है वीपीएड डिग्री कोर्स आपका होना चाहिए, या 3 साल का ग्रेजुएट और 1 साल का वीपीएड डिप्लोमा मांगा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर नर्सिंग सिस्टर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, केवल फीमेल ही जो एप्लीकेशन कर पाएगी। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, 18 से 50 एज लिमिट है। यहाँ पर आपके पास डिप्लोमा या डिग्री नर्सिंग में होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। साथ में जो है वो 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो बाकी चीजें भी जो है वो हम देख लेते हैं एडवर्टीजमेंट में और क्या क्या है। तो यहाँ पर लिखा है कि कैंडिडेट शुड अप्लाई टू द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान 312021। तो आप लोगों को एप्लीकेशन करनी है और आप लोगों को पोस्ट करना है। ये जो है एड्रेस है, बैंक ड्राफ्ट जो है वो 500 रुपीज का जो है वो पेबल रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए। द लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन करने की है वो है 4 सितंबर। तो यदि आप यहाँ पर जो है इंटरेस्टेड हैं और आपको जॉब जो है वो सैनिक स्कूल में करनी है, सब्जेक्ट भी आपका है, तो आप जरूर एप्लीकेशन यहाँ पर करें। ओनली एलिजिबल एंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पर उन्हीं कैंडिडेट को सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल किया जाएगा जो कि एलिजिबल होंगे, जो इन्होंने यहाँ पर डिमांड की है। ठीक है, उन्हीं को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। तो ये इस तरीके का जो है वो आप लोगों का पूरा एडवर्टीजमेंट मैंने दिखा दिया है जितना भी था यहाँ पर। उसके बाद ये जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि इसके नीचे ही जो है दिया हुआ है, तो इसको आप लोग जो है वो बिल्कुल फिल कर लेंगे। तो इन्होंने लास्ट में जो है वो लिखा है डॉक्यूमेंट टू बी फॉरवर्डेड बाय कैंडिडेट। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो आप लोग को जो है लगाने हैं, तो हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसको आप लोग जो है वो डाउनलोड कर लेंगे, फिल कर लेंगे। बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, डिस्चार्ज बुक है अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप किसी भी कास्ट से एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हैं, क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ऑल एजुकेशन डॉक्यूमेंट आपके, ऑल एक्सपीरियंस अगर एक्सपीरियंस है तो वो भी लगा दें आप।
ठीक है, अगर आपके कोई को करिकुलम एक्टिविटी है, गेम्स वगैरह में पहले आपने पार्टिसिपेट किया है कहीं भी, तो वो भी आप लगा दें। कंप्यूटर का डिप्लोमा डिग्री है तो वो भी आप यहाँ शामिल कर दें, यानी जितनी ज़्यादा आपकी क्वालिफिकेशन है वो सभी जो है वो आप शामिल कर दें, बाकी जो मांगा गया है वो तो आप लगाएंगे ही। इस तरीके से सारी मेन चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं और इसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के नीचे आप लोग देखिएगा अच्छे तरीके से। यदि आप इंटरेस्टेड हैं, एप्लीकेशन करना चाहते हैं, सैनिक स्कूल में जो है वो जॉब करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।